जिला बिलासपुर के एनटीपीसी कोल डैम में बचाने की आवाज से लोग एकत्रित हो गए। मॉक ड्रिल को जिसे एनडीआरएफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम और कोल डैम के मेडिकल डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने इटालियन तकनीक से एंटो चिंटो आस्ट्रा से कैसे रेस्क्यू करना है इसकी जानकारी भी दी। इस मौके पर कोल डैम के जीएम एसएम चौधरी ने अधिकारियों का स्वागत किया। हालांकि इस मॉक ड्रिल के उपलक्ष्य पर लोगों को सिखाया गया कि कैसे डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है, कैसे बाढ़ के समय में पानी में डूब रहे व्यक्ति का रेस्क्यू करना है और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और उसे कैसे बाहर लेकर आना है। इस तरह के सभी उपाय वहां पर एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताए और जैसे जैसे उन्होंने हर तरह के रेस्क्यू करके दिखाए, लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। रेस्क्यू का काम किया जिसमें से चार विक्टिम को बाहर लाया गया, उसमें से रोप रेस्क्यू की मदद से भी जो रेस्क्यू का काम को अंजाम दिया गया और ऊपर से जो डरे हुए विक्टिम, एक अनकॉन्शियस विक्टिम को भी ऊपर की मंजिल से नीचे तक लाया गया। उसके बाद वाटर रेस्क्यू टेक्निक्स के कुछ हिंट्स भी दिए गए जिसमें हेड टू, चिन टू, आर्म्स टू, अक्रॉस द चेस्ट इत्यादि टेक्निक्स का उपयोग करके कैसे एक डूबते हुए विक्टिम को सुरक्षित तरीके से अपने बचाव करते हुए बाहर लाया जाते हैं, उसी का भी एक नमूना सबके सामने प्रदर्शित किया गया।